एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 85 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव किसी सेठ जी ने, चौधरी ने, पटेल ने, ठाकुर साहब ने, ऐसे ही ये डाकू ने बसाया था। अब आप व्यंग देखें, राजनीति के तमाम लोग यहां बैठे हों लेकिन आनंद लें। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वे ही लोग घर बैठे दे जाते हैं। और असली जो समस्या है इस देश की, असली स्वच्छ भारत अभियान कहां जरूरी है, मैंने एक प्रश्न खड़ा किया है। व्यंग आपको अच्छा लगे तो दाद दें, वरना मेरी हिम्मत की दाद दें। आज की रात इस मंच पर खड़े होकर के इससे तीखा मैं लिख और बोल नहीं सकता था। देखें, यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है।